सिर पर हेलमेट, आंखों में चश्मा, एक तिरंगा झंडा और साइकिल पर थोड़ा बहुत सामान, ये हैं जितेंद्र सिंह। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी के रहने वाले जितेंद्र सिंह को लोग जीतू भाई गौसेवक के नाम से भी जानते हैं। जीतू भाई गौसेवक अपनी साइकिल से ही 2000 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्रीय धन घोषित करना, गौ माता की सेवा के लिए देश भर में अलख जगाना, नेताओं से, साधु संतों से, धार्मिक लोगों से इस विषय में बात करना और गौ माता की सेवा के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कराना। जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम जा रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के सनातन जागरण और हिंदू राष्ट्र के लक्ष्य से काफ़ी प्रभावित जितेंद्र सिंह ने मेहंदीपुर बालाजी से 20 फरवरी को अपनी साइकिल उठाई थी। वे साइकिल से ही 2000 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। वे छतरपुर जिले में पहुंचे और बागेश्वर धाम की ओर बढ़ चले। इस दौरान हमारे संवाददाता रोहित पाठक ने उनसे बातचीत की। सुनिए जितेंद्र सिंह ने क्या कहा। मेरा जितेंद्र सिंह, मैं मेहंदीपुर बालाजी से जीतू भाई गौ सेवक के नाम से जाना जाता हूँ। मेरा संकल्प है कि मेरा भारत अखंड हो और मेरी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। जैसे मोर पक्षी राष्ट्र पक्षी बना रखा है, ऐसे गौ माता को भी एक राष्ट्र पशु के दर्जा दिया जाए। मेरी यात्रा और मेरे धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज के पास दर्शन करने में इसलिए जा रहा हूँ कि वो आज सनातन धर्म के लिए वो इतना अच्छा कर्म कर रहे हैं। मैं कुछ कर नहीं सकता तो उनके पीछे खड़ा होकर मैं जय जयकार कर सकूँ बस। फिर उसके बाद मैं अयोध्या के लिए निकलूँगा। लखनऊ में योगीनाथ जी को मैं एक पत्र दूंगा। आप योगीनाथ जी, मोदी जी से आप कीजिए बात, जैसे आपने उत्तर प्रदेश में गौ माता को दर्जा दे दिया। मेरी अभी यहाँ से करके फिर उसके बाद में यहाँ से कितना पड़ता है, 530 या ऐसा कुछ पड़ेगा बागेश्वर धाम पहुँचने के बाद में, तो मेरी 1100 के लगभग 1100 1150 होगी। और जब मुझे यहाँ से हरी चंडी इन्हें दिखाई प्रभु ने और उधर योगीनाथ जी से भी मुलाकात हुई, तो मेरा संकल्प यह है कि अयोध्या में दर्शन करके मैं वापस 700 किलोमीटर वहाँ से भी वापस मेहंदीपुर बालाजी पहुँचूँ तो साइकिल से, तो मेरा 2100 और 2000 के लगभग किलोमीटर हो जाएगा। ख़राब हो चुकी थी, इनमें सहयोग मेरी समाज का है, जो मेरी गौ सेवा में सहयोग करते रहते हैं, तो मैं डायरेक्ट उन लोग को ही सहयोग, जो पूरी सर समाज ने मुझे सहयोग किया है साइकिल का भी, ये मेरे खुद के पैसे का नहीं है। मैंने आज एक होटल पर रोटी खाई है, 130 रुपये जब दिए थे और एक जगह नहीं, पूरे रास्ते भर मेरे पूरा स्वागत सम्मान बहुत अच्छी तरह से मेरा हौसला बुलंद किया मेरी पूरी समाज ने, मेरे हिंदू भाइयों ने, सबों ने, काफ़ी लोगों से मुझे ऐसा सपोर्ट मिला कि मुझे हिम्मत हारने की, एक जगह में हिम्मत हारने की कोशिश कर रहा था, फिर वहाँ एक पहुँचे कि आप यहाँ मंदिर है, मंदिर पर रुकिए, माँ बाबा ने मेरा तिलक किया और मुझे आगे के लिए आज्ञा दी कि आप जाइए बेटा। 20 तारीख को 8:15 में वहाँ से हरी झंडी दिखाई थी मुझे, कमलकांत भाई है सेवक, वहाँ के गौ सेवक, हाँ ये 20 तारीख की है गई, अभी 5 दिन पहले गई है। 4 दिन में आपने लगभग कितनी यात्रा तय कर ली है? लगभग मैंने आज के दिन मैंने ज़्यादा करी है, 5 बजे का चला हूँ, खाना खाया और मैं भगा हूँ क्योंकि मुझे प्रभु दिख रहे थे, दर्शन करना है मुझे उनके, तो लगभग आज आप झांसी से यहाँ कितना हो गया होगा आप लगा लीजिए, मैं काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरा धुन वही चल रही है स्पीड की, बस ये है मेरी धुन होना चाहिए। और सनातन धर्म हमारा विश्व गुरु बनना चाहिए, हमारा सनातन धर्म के लिए जो महाराज जी खड़े हुए हैं, ऐसे महाराज जी के लिए पीछे हम अपनी सिर भी कटवा सकते हैं।